हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो स्टार्ट करते हैं हम अपने हार्डवेयर ट्रबल शूटिंग का सेशन, और आज के सेशन का नाम है BSOD। तो आज हम इस सेशन में जानने वाले हैं कि BSOD क्या है, क्यों आता है और इसका सॉल्यूशन क्या है। तो हम आपको स्टेप बाय स्टेप बताएंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं अपने आज का वीडियो। देखिए दोस्तों, जो BSOD होती है, एक्चुअली इसके जब भी ये एरर आती है तो साथ ही में एक नोटिफिकेशन भी आती है। तो हमें करना क्या है कि जो ये नोटिफिकेशन, ये जो मैसेज हमारे सामने ये आती है, जो हमारे सामने मैसेज आई है, इसको हमें करना क्या है कि केयरफुली एक बार पढ़ लेना है। और क्योंकि इसी मैसेज में ही हमें एक हिंट मिल जाती है कि ये प्रॉब्लम किसके वजह से आ रही है। तो इस मैसेज को पढ़ने के लिए सबसे पहले करने क्या है कि आपको ये जो QR शो कर रहे हैं, इसको स्कैन करके हमें पढ़ लेनी है। इसको स्कैन करेंगे तो इसमें हमें एक हिंट मिल जाती है कि हाँ, ये किसके वजह से आ रही है। ठीक है, अगर हमें यहाँ से कुछ ना समझ में आए तो हमें करना क्या है कि सबसे पहले रिसेंटली जो भी हमने BSOD आने से पहले हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर इंस्टॉल किए हैं, इसको हम एक बार अनइंस्टॉल करके भी चेक कर लेंगे। जैसे हार्डवेयर में एक एग्जाम्पल के लिए है कि प्रिंटर हो गया, स्पीकर हो गया, या भी सॉफ्टवेयर में कोई कोरल ड्रा हो गया, फोटोशॉप हो गया, टीम हो गया, इनमें से अगर कोई भी हमने इंस्टॉल किए तो अनइंस्टॉल करने का मतलब, हमें कहने का मतलब यह है कि रिसेंटली BSOD आने से पहले जो भी हमने हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर इंस्टॉल किए उसको हम एक बार अनइंस्टॉल करके भी चेक कर लेंगे। अगर यहाँ से शॉर्ट आउट नहीं होता है तो हमें करना क्या है, सबसे पहले कि अपने टेम्परेचर को, जो हमारी CPU है, इसकी टेम्परेचर को देख लेनी है कि ज्यादा हीट तो नहीं है, क्योंकि हमारे सिस्टम चलते चलते हीट हो जाती है। तो हमें ये भी देख लेना है कि हमारे CPU टेम्परेचर ज्यादा तो नहीं होगी। अगर ज्यादा हो जाएंगी तो BSOD आना कन्फर्म है। ठीक है, अगर इससे शॉर्ट आउट नहीं होता है तो हमें अगला स्टेप लेना है कि अपने पूरी सिस्टम को, जो हमारी कंप्यूटर है, उसे एक बार हमें अपने एंटीवायरस से स्कैन कर लेंगे फुली कि कहीं वायरस तो नहीं है ना हमारे सिस्टम में, क्योंकि वायरसेस की वजह से भी हमारे सिस्टम में BSOD बार बार आने लगती है। क्योंकि वायरस होता है, हमेशा रनिंग रनिंग होता है, और रन इतना रन होने लगता है कि हमारा पूरा का पूरा रैम, प्रोसेसर, सारे का सारे यूटिलाइज ज्यादा ज्यादा से ज्यादा होने लगती है, तो BSOD आ जाती है। अगर इसके बावजूद भी हमारा सिस्टम अगर सही ना हो तो अगला स्टेप हमें लेना है, एक बार अपने PC को रिस्टोर कर लेंगे। क्योंकि हमसे कभी कभी गलती हो जाती है, या फिर किसी से भी गलती हो जाती है कि कोई सेटिंग हम लोग छेड़ देते हैं, इसके वजह से भी प्रॉब्लम आने लगती है, या फिर कोई सी ड्राइव से कोई फाइल मिस हो जाती है, कोई फाइल मिस हो जाएगी तो इसके वजह से भी ये प्रॉब्लम आने लगती है। तो हमें रिस्टोर कर लेने से ये प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो जाती है। और इस ऑप्शन में जाने के लिए आपको करना क्या होता है कि शिफ्ट के साथ, अगर हम शिफ्ट प्रेस करके हम रिस्टार्ट करते हैं तो डायरेक्ट हम एडवांस ऑप्शन में चले जाएंगे, और यहाँ से जाकर के ये वाली ऑप्शन मिल जाएगी आपको, और वहाँ से हम अपने सिस्टम को ट्रबल शूट कर सकते हैं। अगर इसके बावजूद भी अगर हमारा BSOD प्रॉब्लम सॉर्ट आउट ना हो तो हमें करना क्या है कि अपने हार्डवेयर को एक बार चेक कर लेंगे। हार्डवेयर में क्या चेक करेंगे, अपने मेमोरी को एक बार, मेमोरी को चेक कर लेंगे कि कहीं मेमोरी में कोई फॉल्टी तो नहीं है। ठीक है, तो मेमोरी को चेक करने के लिए सॉफ्टवेयर भी होते हैं, हमारे सिस्टम में भी मेमोरी चेक करने के लिए टूल्स होते हैं। तो आपके सामने दो यहाँ पे मैंने मेंशन कर रखे हैं मेथड के बारे में। पहला है हमारा मेम टेस्ट 86, और दूसरा हमारा है डायग्नोस्टिक टूल। तो जो हमारा मेम टेस्ट 86 जो है, ये थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर है, इसको हम डाउनलोड करके इंस्टॉल कर लेंगे तो ये हमारी मेम टेस्ट है। इससे भी अपने हम हार्डवेयर को चेक कर सकते हैं। अगर मेमोरी डायग्नोस्टिक टूल से भी चेक कर सकते हैं, अपने विंडो में जाएंगे, सर्च में लिखेंगे तो हमारे सामने ये मेमोरी डायग्नोस्टिक टूल ओपन हो जाएगा, इससे भी हम चेक कर सकते हैं ये। और यही सेम टूल आपको कंट्रोल पैनल में मिल जाएगा, आपके कंट्रोल पैनल में विंडो टूल में मिल जाएगा। और हमें यही टूल बायोस में भी मिल जाता है, जहां हार्डवेयर को भी स्कैन करके चेक कर लेंगे। अगर यहां से अगर कुछ हमें नहीं पता चलता है तो एक बार हमें अपने हार्ड डिस्क को भी चेक कर लेना चाहिए कि कहीं हार्ड डिस्क में कुछ एरर तो नहीं है ना। और हार्ड डिस्क को चेक करने के लिए एक कमांड होता है CHKDSK, जिसे हम CMD में जा करके यहाँ अपने टाइप करेंगे तो पूरा का पूरा CHKDSK से हमारा हार्ड डिस्क का पूरा डिटेल आ जाएगा, कितने मेमोरी है, कितने इसमें स्पेस है, कितना बैड सेक्टर है, सारे के सारे डिटेल यहाँ से आपको मिल जाएगी। अगर इससे नहीं चाहते हैं, DM एप्लीकेशन भी है, इतने सारे DM एप्लीकेशन है, इनमें से कोई एक हम डाउनलोड करके हम अपने हार्ड डिस्क को चेक कर सकते हैं कि कहीं इनमें तो बैड सेक्टर नहीं है।
अगर इतना करने के बाद अगर इन सब से हमें कुछ पता नहीं चलता है तो आपका हार्ड डिस्क और रैम अगर दोनों सही है, यहाँ से पास हो जाते हैं, तो हमें करना क्या है कि अपने ओएस को दोबारा इंस्टॉल करके चेक कर लेंगे। क्योंकि जब भी हम ओएस को इंस्टॉल करते हैं तो कम से कम 20 से 25 यानी नियर अबाउट 30 मिनट यानी आधे घंटे का टाइम लगता ही लगता है। अगर इनके बीच में अगर हमारे हमारे सामने अगर बीएसओडी नहीं आती है पीसी में, तो इसका मतलब हुआ कि हमारे पिछले वाले सॉफ्टवेयर यानी कि ओएस जो था उसमें ही कुछ प्रॉब्लम थी, तो सॉफ्टवेयर में थी या नहीं तो ओएस की फाइल कोई मिसिंग थी, वहां से कुछ प्रॉब्लम थी। अगर ओएस इंस्टॉल करते टाइम में ही अगर बीएसओडी आ जाए तो इसका मतलब होता है कि हार्ड डिस्क में ही ये प्रॉब्लम है। अगर ओएस इंस्टॉल करते टाइम में अगर प्रॉब्लम ना आए, अगर बीएसओडी ना आए, तो इसका मतलब हुआ कि जब भी हम ओएस को इंस्टॉल करते हैं तो नियर अबाउट 20 से 25 या आधे घंटे का टाइम लगता ही लगता है ओएस इंस्टॉल करते टाइम। तो अगर इन टाइमिंग के बीच में अगर ओएस बीएसओडी ना आए तो इसका मतलब हुआ कि हमारे जो पिछला वाला सॉफ्टवेयर इसमें डाला गया था, ओएस डाला गया था, उसमें कुछ ना कुछ प्रॉब्लम थी यानी कि हार्डवेयर में कोई प्रॉब्लम नहीं थी। अगर इनको इंस्टॉल करते टाइम में अगर बीएसओडी आ जाए तो इसका मतलब हुआ कि हमारे प्रोसेसर में ही कुछ प्रॉब्लम है। तो एक बार हम अपने प्रोसेसर को किसी और सिस्टम में लगा कर चेक कर लेंगे, यानी तो कोई और प्रोसेसर इसमें लगा करके चेक कर लेंगे कि कहीं उससे तो प्रॉब्लम नहीं है। एक बार अपने प्रोसेसर को चेंज करके देख लेंगे और यहाँ से हमारी बीएसओडी को शॉर्ट आउट हो जाना चाहिए। नियर अबाउट जो हमारी मोस्टली जो केस आती है बीएसओडी के, रैम की आती है, हार्ड डिस्क की और वायरस की। तो आज के सेशन में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।